हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी, जो कि एमएससी प्री मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। टोपोलॉजी, इसके अंदर हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन, एग्जांपल, टोपोलॉजिकल स्पेस, उसके कुछ थ्योरम्स, और उसके बाद नेबरहुड ऑफ एक पॉइंट का नेबरहुड पढ़ लिया था, और उसके कुछ थ्योरम्स भी कर ली थी हमने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज सेट। क्या पढ़ेंगे? क्लोज सेट। क्लोज्ड सेट। पहले तो समझना, आम भाषा में हम इसको कैसे क्या समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि एक्स अपने पास कोई भी एनी सेट है, एनी सेट, तो अपने पास एक टोपोलॉजी बनती है। कब? जो उसमें फाई हो, कैपिटल एक्स हो, और कुछ एलिमेंट हो, जैसे G1 एक एलिमेंट आ गया, G2 एक एलिमेंट आ गया, ऐसे टाइप के, ये अपने पास टोपोलॉजी बन रही है। तो मैं बोलूँगा देन क्लोज्ड सेट्स आर। पहली बात तो, जो टोपोलॉजी के अंदर होते हैं उनको हमेशा क्या बोलते हैं? इनको हमेशा हम बोलते हैं ओपन सेट। जो टोपोलॉजी के अंदर आ जाते हैं उनको बोलते हैं ओपन सेट। क्या बोलते हैं? ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट। और अगर आप क्लोज सेट निकालना चाहते हैं, अगर अपने पास एक जी ओपन सेट है, तो आप बोलोगे एक्स माइनस जी जो बचेगा वो क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। क्या बनेगा? क्लोज सेट। जी ओपन सेट है तो एक्स माइनस जी क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। तो देखो, ये सब अपने पास क्या है? ओपन सेट है। तो बताओ क्लोज सेट कौन कौन बनेगा? एक्स माइनस फाई क्लोज सेट होगा, एक्स माइनस एक्स क्लोज सेट होगा, एक्स माइनस जी वन क्लोज सेट होगा, एक्स माइनस जी टू क्लोज सेट होगा। ठीक है, ये सारे अपने पास क्या बनते हैं? क्लोज सेट बनते हैं। तो आप समझ गए होगे, ओपन सेट को अगर कैपिटल एक्स में से घटाओगे, माइनस करोगे, तो अपने पास क्लोज सेट मिलेगा। ठीक है, और इन सभी क्लोज सेट को हम क्या बोलते हैं? टो क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? टो क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इस टो टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में अपने पास ही क्लोज सेट बना है, इस वजह से इसका नाम क्या बनेगा? टो क्लोज बनेगा। ठीक है, ओके, हेडिंग लिख लो और आगे लिखना, क्लोज्ड सेट। डेफिनेशन समझना पहले तो इसकी क्या है। समझा मैंने, दिया है आप लोगों को, लिखना है बस। लेट एक्स कोमा टो बी ए बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए सबसेट, देन ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स इज कॉल्ड टो क्लोज्ड और सिंपली क्लोज्ड इफ एक्स माइनस ए इज ओपन सबसेट, एक्स माइनस ए इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, दैट इज एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू टो, एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू टो। क्या मतलब है समझना इसका? अपने पास एक्स कोमा टो, अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां पर एक्स तो सेट होता है और टो टोपोलॉजी होती है, देन ए सबसेट ए जो कि कैपिटल एक्स का सबसेट है इज कॉल्ड टो क्लोज या फिर सिंपली क्लोज्ड। मतलब ए सेट को हम क्लोज कब बोलेंगे? जब एक्स माइनस ए क्या बन जाए? ओपन बन जाए। अगर एक्स माइनस ए ओपन बन रही है तो ए क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। और अगर ए क्लोज है तो एक्स माइनस ए क्या बनेगा? ओपन सेट बनेगा। किसका? एक्स का।
और कैपिटल एक्स के ओपन सेट कौन कौन से होते हैं जो टोपोलॉजी के अंदर आते हैं, वो सारे ओपन सेट होते हैं। इसका मतलब एक्स माइनस ए ओपन बनेगा, एक्स माइनस ए ओपन बनेगा, इसका मतलब किस में जाएगा, तो टोपोलॉजी के अंदर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक। अब एग्जाम्पल करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्लोज सेट कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल वन, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी एंड टो इज इक्वल टू फाई कोमा एक्स कोमा ए कोमा बी कोमा ए बी ए बी। Then find toe closed sets। Toe closed set निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? Solution। देखो x अपने पास क्या है, here capital X is equal to a comma b comma c, ये तो अपने पास capital X है। And टोपोलॉजी क्या है अपने पास? फाई है, कैपिटल एक्स है, ए सेट है, बी सेट है और ए बी सेट है, ए कोमा बी सेट। जो टोपोलॉजी के अंदर आते हैं वो तो सारे होते हैं ओपन सेट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले तो, सो ओपन सेट्स आर या फिर टो ओपन सेट्स, टो ओपन भी बोल सकते हो या ओपन सेट्स बोल सकते हो। ओपन सेट कौन कौन से बनेंगे? फाई बनेगा, कैपिटल एक्स बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा एंड ए कोमा बी बनेंगे। जितने टोपोलॉजी के अंदर आते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। देन टो क्लोज्ड सेट्स आर। टो क्लोज सेट क्या बनेगा? x में से ओपन घटाऊंगा, फाई घटाऊंगा तो क्या बनेगा? x ही बनेगा, ये अपने पास टो क्लोज सेट है। x में से x घटाऊंगा, ओपन घटाऊंगा तो क्या बनेगा? फाई बनेगा, ये भी टो क्लोज सेट है, ठीक है। उसके बाद x में से a सेट घटाऊंगा, x क्या था? a कोमा b कोमा c, तो उसमें से a हट जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी? b कोमा c, ये अपने पास टो क्लोज सेट है। x में से दूसरा ओपन b घटाऊंगा, x अपने पास a कोमा b कोमा c, इसमें से a घटाऊंगा तो क्या बनेगा? a कोमा c बनेगा, ये भी टो क्लोज है। और x माइनस a कोमा b करूंगा ओपन सेट में से, सॉरी x में से ओपन सेट घटाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी? x a कोमा b कोमा c में से a कोमा b घटाने पर क्या बचता है? c, ये भी क्या बनेगा? टो क्लोज बनेगा। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में हैंस टो क्लोज्ड सबसेट्स आर। कौन सा बना? एक्स बना, फाई बना, बी कोमा सी बना, ए कोमा सी बना और लास्ट में सी, और क्या बना? सी बना। ये सारे अपने पास क्या बने हैं? टो क्लोज सेट्स बने हैं। तो पीछे हमें हमारे पास ये तो रही डेफिनेशन टो क्लोज सेट की। डेफिनेशन को लिखो, स्क्रीनशॉट करो और उसके बाद एक एग्जांपल ये रहा अपने पास, इस एग्जांपल को लिख करके ये फिर आप सब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा एग्जांपल, ठीक है। अगला एग्जांपल करते हैं, अगला एग्जांपल है अपने पास, लेट एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी एंड टोपोलॉजी क्या बन रही है अपने पास? डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन रही है, जो कि क्या होती है? एक्स के जितने भी सबसेट उन सभी का कलेक्शन, फाई भी आ गया उसमें, कैपिटल एक्स खुद भी आ गया, ए अकेला भी आ गया, बी अकेला भी आ गया, सी अकेला भी आ गया, ए और बी दोनों मिलकर के आ गए हैं, बी और सी दोनों मिलकर के आ गए हैं और ए और सी दोनों मिलकर के आ गए हैं।
सही है क्या? ये अपने पास क्या बनेगा? डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. देन फाइंड टो क्लोज्ड सेट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जो गिवन है हियर? कैपिटल एक्स तो कौन है बताओ? ए कोमा बी कोमा सी है. एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी टो डी क्या है अपने पास? फाई है, कैपिटल एक्स है, ए बी सी, ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी, ये अपने पास कौन है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. देन ये बताओ ओपन सेट्स कौन कौन से बनेंगे? ओपन सेट्स आर जो भी टोपोलॉजी के अंदर होते हैं सारे ओपन सेट होते हैं. और ओपन सेट कौन कौन बनेंगे? फाई बनेगा, कैपिटल एक्स बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, ए कोमा बी भी बनेगा, बी कोमा सी भी बनेगा और ए कोमा सी बनेगा. ये सारे अपने पास क्या बनेंगे? ओपन सेट्स बनेंगे. देन टो क्लोज्ड क्या बनेंगे? टो क्लोज क्या बनेंगे? एक्स माइनस पहला ओपन फाई, एक्स में से फाई घटाते हैं तो एक्स ही बचता है. दूसरा एक्स में से दूसरा ओपन घटाते हैं एक्स तो वैल्यू क्या बनती है? फाई. ये टो क्लोज है. अगला हम वैल्यू लेते हैं x में से हम घटाते हैं इस बार a. x अपने पास a कोमा b कोमा c है तो घटेगा तो क्या बनेगा? b कोमा c बनेगा. x में से अगर आप लोग लेते हैं b एलिमेंट तो वैल्यू क्या बनेगी? a कोमा c बनेगा. और x में से अगर आप लोग घटाते हैं कौन सा? c एलिमेंट तो वैल्यू क्या बनेगी? a कोमा b बनेगा. अब x में से अगर आप लोग a b घटाते हैं तो वैल्यू बनेगी c. एक्स में से अगर आप लोग घटाते हैं ए कोमा सी तो वैल्यू क्या बनेगी? सिर्फ बी. और अगर आप एक्स में से घटाते हैं बी कोमा सी तो अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा. ये सारे क्या है अपने पास? टो क्लोज सेट्स हैं. तो मैं लिख दूं साइड में, हम लिखेंगे सो टो क्लोज्ड सेट्स आर. टो क्लोज सेट्स कौन से हैं अपने पास? पहला तो कैपिटल एक्स है टो क्लोज, फाई भी टो क्लोज है, बी कोमा सी भी टो क्लोज है, ए कोमा सी भी टो क्लोज है, ए कोमा बी भी टो क्लोज है, सी बी और ए, ये सारे अपने पास क्या हैं? टो क्लोज हैं. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने पास ओपन सेट भी यही थे और क्लोज सेट भी यही आए हैं. तो आप लिख लेना ये बात कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट और क्लोज सेट दोनों हमेशा बराबर होते हैं, वही होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी वही होते हैं अपने पास. समझ गए बात? तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए. इतना और उसके बाद यहाँ तक, ठीक है. अब हम यहाँ पर एक नोट लिख देते हैं. नोट, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी ओपन सेट इज टो क्लोज. Every open set is to close and every to closed is open set. तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सारे टो क्लोज सेट कैसे होते हैं? ओपन होते हैं. और सारे ओपन सेट कैसे होते हैं? टो क्लोज होते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी.
इसकी बात करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसके लिए एग्जांपल है अपने पास, लेट कैपिटल एक्स इजिकल टू द है अपने पास ए कोमा बी कोमा सी एंड जो अपने पास है टो वो क्या होता है फाई और कैपिटल एक्स, बस यही है। देन फाइंड टो क्लोज्ड सबसेट्स, टो क्लोज सबसेट या टो क्लोज सेट्स। पहली बात तो अपने पास जो गिवन है वो लिखना है हमें, एक्स तो क्या है अपने पास ए कोमा बी कोमा सी है एंड टो टोपोलॉजी कितना है अपने पास फाई कोमा कैपिटल एक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं आई बी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो बताओ यहां पर अपने पास सो ओपन सेट कौन कौन से बनेंगे, ओपन सेट्स आर कौन कौन से ओपन बनेंगे, जो जो टोपोलॉजी के अंदर होता है वो ओपन होते हैं, फाई भी ओपन बनेगा एंड कैपिटल एक्स भी क्या बनेगा ओपन बनेगा। देन टो क्लोज्ड सेट्स आर, टो क्लोज सेट कौन सा बनेगा एक्स में से ओपन घटाऊंगा फाई तो क्या बनेगा एक्स बनेगा एंड एक्स में से ओपन घटाऊंगा कैपिटल एक्स तो क्या बनेगा फाई बनेगा, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, तो हम लिख देंगे सो टो ओपन क्लोज एट टो क्लोज सेट्स आर, सो टो क्लोज्ड सेट्स आर कौन कौन से हैं टो क्लोज, एक तो अपने पास फाई है और दूसरा है कैपिटल एक्स, ये दोनों ही क्या हैं टो क्लोज सेट्स हैं अपने पास, कैसे हैं टो क्लोज सेट हैं। अब देख लो जो अपने पास टो क्लोज सेट हैं वही अपने पास क्या थे ओपन सेट थे, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी मैंने क्या लिखवाया ओपन और क्लोज वही होते हैं, ओपन जो होते हैं वो सारे क्लोज होते हैं, जो सारे क्लोज होते हैं वो सारे ओपन भी होते हैं, इनडिस्क्रीट के अंदर भी जितने भी ओपन है वो सारे क्लोज हैं और जितने भी क्लोज है वो सारे ओपन हैं, तो ये बात भी हम लिखेंगे। तो नोट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी ओपन सेट इज टो क्लोज्ड एंड एवरी टो क्लोज्ड इज ओपन सेट। बात समझ में आ गई सबको, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन होते हैं वो सारे क्लोज भी होते हैं, जितने भी क्लोज होते हैं वो सारे ओपन भी होते हैं, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरम्स करते हैं इसके ऊपर। तो पहली थ्योरम है अपने पास इसकी, स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ इसका, उसके बाद आप लोगों को हाँ ये बात भी समझ लेना। आप देखना देखो टोपोलॉजी टो के अंदर हमेशा फाई तो आता ही है, कैपिटल एक्स भी आता ही है, इनके अलावा कुछ आए ना आए टोपोलॉजी के अंदर ये दोनों हमेशा आते हैं। इसका मतलब आप लोग एक्स में से फाई घटाओगे तो एक्स ज़रूर आएगा और एक्स में से एक्स घटाओगे तो फाई ज़रूर आएगा। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो ओपन भी होते हैं हमेशा और क्लोज भी होते हैं। तो पहले ये नोट ही लिख लो, नोट लिखना फाई एंड कैपिटल एक्स आर ऑलवेज बोथ ओपन एंड क्लोज सेट्स, बोथ ओपन एंड क्लोज सेट्स फॉर
फॉर एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस, फॉर एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस, हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए अपने पास आर फाई और आर क्या होते हैं, ऑलवेज अपने पास क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, सही कि नहीं है? ठीक है, अब हम थ्योरम करते हैं इसके बाद। लेट एक्स कोमा टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन फर्स्ट फाई इज क्लोज्ड सेट, सेकेंड कैपिटल एक्स इज क्लोज्ड सेट और थर्ड है अपने पास आर्बिट्री इंटरसेक्शन, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड और फोर्थ है अपने पास फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे पहले तो। देखो एक्स कोमा टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, देन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि फाई जो है वो क्लोज सेट है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एक्स माइनस फाई ओपन है। ठीक, x अपने पास क्या है, क्लोज सेट है, ये प्रूव करना है, मतलब x माइनस एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे क्लोज सेट हैं उन सभी का यूनियन कर दोगे, आपको नहीं पता कितने क्लोज सेट हैं, उन सभी का अगर आप यूनियन कर देते हैं तो वो वापस से क्या बनना चाहिए, क्लोज बनना चाहिए, ये प्रूव करना है। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, देखो ऊपर वाले में तो क्या करना है अपने को, जितने भी क्लोज सेट थे उन सभी का इंटरसेक्शन करना है, जितने भी क्लोज सेट थे उन सभी का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, वो भी क्या बनना चाहिए, क्लोज सेट। और नीचे अपने पास अगर आप कोई भी 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 फाइनाइट नंबर में अगर आप क्लोज सेट लेते हैं तो उन सब का यूनियन करोगे तो भी क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सारी कंडीशंस प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन मैं लेकर के चलता हूँ, ये जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद सारा कुछ प्रूफ करेंगे। क्या गिवन है, लेट एक्स कोमा टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब क्या है, दैट इज टो इज टोपोलॉजी, टो अपने पास क्या बनेगा, टोपोलॉजी बनेगा, और टो अगर टोपोलॉजी है तो इसका मतलब है कि फाई जो है वो ऑलवेज टोपोलॉजी के अंदर होता है एंड एक्स जो है वो भी ऑलवेज किसके अंदर होता है, टोपोलॉजी के अंदर होता है। ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन हम प्रूव करते हैं, तो बताओ सिंस एक्स जो है अपने पास, सिंस फाई इज, पहले कंडीशन कौन सी प्रूव करनी थी अपने को, ये प्रूव करना था कि फाई जो है वो क्लोज सेट है, फाई क्लोज है, इसका मतलब आपको एक्स माइनस फाई को क्या प्रूव करना है, ओपन करना है। तो मैं बोलूंगा सिंस कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू कहां से है, टोपोलॉजी के अंदर से है, इसका मतलब कैपिटल एक्स इज ओपन सेट एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि x में से अगर आप लोग फाई घटाते हैं तो क्या बचता है, x बचता है और ये क्या बचा अपने पास, ओपन सेट बचा। तो बताओ x के अंदर से किसी सेट को घटाने पर अगर ओपन सेट बचता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, देखो x के अंदर से अगर आप a सेट घटाओगे और अगर आपके पास ओपन सेट बचा है तो इस a सेट का नाम क्या होता है, क्लोज सेट। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, x माइनस फाई करने पर ओपन बना है, इसका मतलब है दैट इज फाई इज क्लोज्ड सेट, कैसा बना है,
phi इज क्लोज, और phi क्लोज का मतलब है phi टो क्लोज, phi इज टो क्लोज। कंडीशन नंबर अपने पास वन यही थी, ये पूरी हो चुकी है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि x जो है वो टो क्लोज है। तो मैं लिखूंगा सिंस फाई जो है वो अपने पास ऑलवेज कहाँ से होता है, टो के अंदर से होता है। देख सकते हैं फाई जो है वो टो के अंदर से है, कहाँ से, इक्वेशन नंबर वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन। फाई अगर टो के अंदर से, इसका मतलब है फाई इज ओपन सेट, फाई इज ओपन सेट, देन देन वी नो दैट, वी नो दैट कि x माइनस एक्स करने पर आपके पास क्या बचता है, फाई बचता है। x माइनस एक्स करने पर क्या बचता है, फाई। x माइनस एक्स करने पर फाई बचता है, और फाई कैसा है अपने पास, ओपन ओपन सेट है। तो बताओ x में से a सेट घटाने पर ओपन बचता है, तो a सेट कैसा बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। इसका मतलब है दैट इज x इज टो क्लोज, x कैसा है, टो क्लोज सेट है। यही बात आपको प्रूव करनी थी सेकंड वाले में, ठीक है। थर्ड वाले में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड वाले में प्रूव करना है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। थर्ड में हमें प्रूव करना है लेट एफ आई, हम क्या लिख लेते हैं, कैपिटल एफ आई, लेट कैपिटल एफ आई, यहाँ पर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई है, इज कलेक्शन ऑफ, या कैसा, इज आर्बिट्री कलेक्शन, इज आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, ऑफ क्लोज्ड सेट्स। मतलब F1, F2, F3, F4 सारे कैसे हैं, क्लोज सेट हमने मान लिए हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि सभी का इंटरसेक्शन अपने पास क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन I belongs to I, F I इज क्लोज सेट, इज क्लोज्ड सेट। अब देखो इस पार्ट को हमें क्लोज प्रूव करना है, तो क्या मैं x माइनस इस पार्ट को ओपन प्रूव कर दूं क्या, हाँ। तो मैं बोलूंगा इट इज सफिशियंट टू सो दैट x माइनस इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू i, एफ आई इज ओपन। अगर आप इसको ओपन प्रूव कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा x माइनस दिस अगर ओपन है, तो ये वाला क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। अब इसको ओपन प्रूव करने के लिए मैं इसको क्या लिखता हूं, देखना, इसको ओपन प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से, एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम, कि x माइनस इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू i, f i को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ x माइनस f i, ऐसा आप लिख सकते हैं। और जहां पर i बिलोंग्स टू क्या होता है, i होता है, इंटरसेक्शन अगर बाहर आता है तो अपने पास क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। x माइनस f i क्या है अपने पास, एंड वी नो दैट एंड गिवन दैट क्या पता है हमें, क्या गिवन है, कि ऑल एफ आई आर क्लोज सेट्स, सारे सारे एफ आई कैसे हैं, क्लोज सेट्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस एफ आई क्या बनेंगे, आर ओपन सेट्स, ओपन सेट्स। तो एक्स माइनस एफ आई कैसे बन गए, ओपन बन गए। एंड वी नो दैट